ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने फाइनली आ चुकी है येज़दी स्क्रैम्बलर। यहाँ पर मैं आपको इसका लोगो दिखा दूँ। सो फाइनली ये बाइक मेरे पास आ चुकी है एंड इस बाइक की जो ऑन रोड कॉस्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,49,000 एंड गोज़ ऑल द वे अप टू 2,56,000 रुपीज़। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू जावा ग्लोबल, जिन्होंने जो है मुझे ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको टेस्ट राइड चाहिए या फिर बाइक को लेकर कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में जो है यहाँ पर आपको एक कंप्लीट एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपको येज़दी का लोगो मिल जाता है। मैं आपको एक बार हेडलाइट्स ऑन करके दिखा दूँ। तो ऑन होने पर जो कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं आपको एक बार हाई बीम मार के दिखा दूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स। काफ़ी बढ़िया सा थ्रो यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड फ्रंट में जो यहाँ पर आपको एक बीक दिख जाती है। अब इसको ओपन कर देते हैं बंद। एंड सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड यहाँ पर जो आपको ये कवर भी मिल जाता है, जिससे जो है आपके सस्पेंशन ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो है स्पोक व्हील्स मिलते हैं, ट्यूब टायर्स मिलते हैं, 100/90 सेक्शन के टायर्स, बाई ब्रेक की तरफ से आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और एक छोटा सा मड गार्ड यहाँ पर भी आपको मिलता है। सो बीक के साथ आपको मड गार्ड भी मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे एलईडी में। इसको भी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको दिखता है। और साइड पर आ जाते हैं। सो साइड पे जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले रेडिएटर दिखेगा। सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर जो आपको ग्रिल भी मिलता है, तो कोई भी डस्ट वगैरह या कुछ भी उठता है तो आपके ग्रिल आपके रेडिएटर को जो है वो डैमेज नहीं करेगा। नीचे की साइड जो आपको मेटल की बैश प्लेट मिलती है एंड दिस इज़ दी 334cc इंजन, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। बट इसमें जो आपको दो एग्जॉस्ट मिलता है जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। ये रहा राइडर फुट पैक, ये रहा पिलियन फुट पैक और आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो। अभी मैं सुना दूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। ऑन करने के लिए क्लच दबाना ही पड़ता है। सो साउंड करने को साउंड जो है कुछ इस तरीके से होता है। सो भाई साउंड तो जो इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा गारंटी है। और टैंक पे आते हैं तो टैंक पे जो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पैडिंग दिख जाएगी। यहाँ पर भी आपको येज़दी का लोगो मिल जाता है। ये रही येज़दी की ब्रांडिंग। यहाँ पर वंस अगेन येज़दी का लोगो, लेजेंडरी येज़दी की ब्रांडिंग और एक बीच में आपको स्ट्राइप भी दिख जाता है। और ये सिल्वर कलर का आपको कैप भी मिल जाता है, टैंक कैप। और यहाँ पर वंस अगेन येज़दी का लोगो एंड यहाँ पर आपको एक 12.5 लीटर की टैंक मिलती है, जिसमें से जो आपको ऑलमोस्ट 30 to 35 की माइलेज भी दिख जाती है। और अभी अपन आ जाते हैं पीछे की साइड पे। पीछे की साइड जो आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। इसमें जो आपको मोनोशॉक नहीं मिलेगा, इसमें आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गैप मिल जाता है। जो स्क्रैम्बलर जो इसका लुक है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। टायर हगर मिल जाएगा, बाइब्रेक की तरफ से डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। और अगर मैं पीछे के टायर साइज़ की बात करूँ सो यू गेट 140/70/17 सेक्शन के टायर्स फ्रॉम MRF। और यहाँ पर जो आपको हल्का सा ये पार्ट भी दिख जाता है, ग्रैब बार। क्या बात है। ब्रेक लाइट्स और टर्न इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया आपको मिलेंगे एलईडी में। ड्यूल एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हो। और बाय द वे ये जो एग्जॉस्ट पे ये जो मटेरियल यूज़ किया गया हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और एक छोटा सा ग्रैबर आपको यहाँ पर भी दिख जाता है। और अभी अपन आ जाते हैं इसकी सीट्स पे। भाई सीट जो है इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। राइडर की सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और पिलियन के लिए भी आप देख ही सकते हो। पिलियन की सीट भी जो है मैं ये नहीं कहूँगा बहुत छोटी। आप देख सकते हो ये मेरा हाथ है। सो पीछे वाला जो अगर नॉर्मल साइज़ का रहेगा वो आसानी से बैठ पाएगा, बट अगर हैवी साइड पे रहेगा तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पर जो आपको एक 800 mm की सीट हाइट मिलती है, तो अगर मान लीजिए आपकी हाइट 5'6" या 5'7" भी है फिर भी आप जो आसानी से इसको मैनेज कर पाओगे। और आप देख सकते हो सीट पर जो आपको ये पैटर्न भी दिखती है, बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न दिखती है। ओवरऑल ये बाइक का जो लुक एंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगने वाला है। अभी अपन आ जाते इसके हैंडल बार्स पे। तो यहाँ पर जो आपको बहुत ही बढ़िया सा रबराइज ग्रिप मिलता है, येज़दी का लोगो वंस अगेन, क्लच मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो आपको सारे के सारे राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ये उसके बटन है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पास लाइट दिखा दूँ। ये रहा पास लाइट, ये रहा अप एंड डाउन मोड सिलेक्शन के लिए स्विचेस दी हुई है, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न और ये बाजू इंजन के स्विच, हजार्ड लाइट एंड पावर का बटन। और आप हैंडल बार्स देख ही पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया सा आपको हैंडल बार्स यहाँ पर आपको मिलता है। एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, USB Type C एज़ वेल एज़ नॉर्मल USB वाला। क्या बात है। इसको चाहो तो बंद भी कर सकते हो। और ये जो है वाटरप्रूफ है, तो बारिश वगैरह में जो है अगर इसको आप बंद कर दोगे तो ये डैमेज नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात अगर आप खुला छोड़ दोगे तो डैमेज हो जाएगा। और अभी अपन आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर जब आपको एक सर्कुलर डिस्प्ले मिलता है और एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी की सारी वार्निंग्स, आपकी स्पीड, ट्रिप ए, ट्रिप बी, कितने माइल्स आपकी गाड़ी चली है, गियर पुश इंडिकेटर, फ्यूल, टाइम और साइड स्टैंड इंडिकेटर वार्निंग भी मिलती है। बाय द वे इसमें जो आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। एंड इस बाइक में जो आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक है रेन मोड, रोड मोड एज वेल एज ऑफ रोड मोड। रोड मोड में जो है ऑब्वियसली बात है आपके दोनों ABS काम करेंगे। रेन मोड में जो है फ्रंट ABS काम करेगा, पीछे का नहीं करेगा। और ऑफ रोड मोड में जो है दोनों के दोनों ABS टर्न ऑफ हो जाएंगे। सो दिस इज़ द डिस्प्ले। मैं डिस्प्ले को जो है काफ़ी बढ़िया सा बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको जो है क्रोम कलर की ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। तो कर देते बंद। सो ये था एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑन द ब्रांड न्यू जावा येज़दी स्क्रैम्बलर। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी। गाड़ी आ गई, सॉरी। और ये रही बाइक की चाबी। हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। भाई साहब आजकल जो है रास्ता बहुत देखकर क्रॉस करना पड़ता है। एनीवेज अपन तुरंत बैठेंगे बाइक पे और वापस से मैं जो हूँ बैठ के सुना दूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। बाय द वे एग्जॉस्ट पाइप पे जो आपको ये प्लेट भी मिल जाती है, तो अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर बीच में आता है तो आप जो है अपने है डैमेज नहीं करोगे। सो ओवरऑल अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ बैठने के बाद, तो भाई काफ़ी बढ़िया सी फीलिंग आती है। आप जो है काफ़ी अपराइट पोजीशन में बैठे हुए रहते हो। तो एक काम करते हैं अपन इसको चला कर देखते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस बाइक की सिटिंग पोजीशन कंफर्ट को लेकर। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये हैंडल बार्स जो है काफ़ी ज़्यादा अपराइट है और काफ़ी ज़्यादा आपके साइड आता है, तो आपको जो है ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मेरी जो कमर है वो एकदम ही अपराइट पोजीशन में बैठी हुई है। टैंक जो है काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पर ग्रिप प्रोवाइड कर देंगे। ये जो टैंक पैड है काफ़ी बढ़िया से ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और इसके जो फुट पैक्स है बराबर आपके कमर के नीचे आएंगे और हल्के से आगे की साइड है, मतलब एकदम हल्का। तो ओवरऑल जो राइड कंफर्ट है काफ़ी बढ़िया है। और सीट्स भी जो है मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम पे है। सो लॉन्ग राइडिंग के लिए और सिटी राइडिंग के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और सिग्नल पे खड़े तब तक अपन कर लेते इसका न्यूट्रल टेस्ट। खटक, अरे एकदम सॉफ्ट है बीच में। ओके भाई न्यूट्रल जो है काफ़ी आसानी से आ जाती है। सो आपको जो है इसमें गियर शिफ्टिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो है साइड मिरर्स नहीं लगे हुए, तो अगर आपको इन्हें कंप्लीट स्क्रैम्बलर लुक चाहिए तो आप इसके जो है साइड मिरर्स हटा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता। तो सिर्फ मैं आपको वीडियो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ कि विदाउट साइड मिरर्स जो है काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। और बाय द वे रेडिएटर जो है वो ऑन हो चुका है, तो आप सुन सकते हैं इसका जो साउंड आपको कुछ इस तरीके से साउंड आएगा। बट फिलहाल जो है हॉट एयर मुझे कहीं से भी लग नहीं रही है, बट रेडिएटर ऑन हो चुका है जैसे कि आपने इसका आवाज़ सुना। और यहाँ पर जो इसकी थोड़ी अपन टेस्टिंग करेंगे। ओके तो अभी अपन आ जाता है इस बाइक के इंजन पे। मैं ये जो इंजन है आपको काफ़ी ज़्यादा एक पंची इंजन यहाँ पर आपको मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको इनिशियली जो इस बाइक से टॉक जो पिकअप मिलता है वो काफ़ी बढ़िया सा पिकअप मिलता है आपको यार, मतलब ऑल द वे अप टू मैं बोल सकता हूँ कि 6000 RPM तक जो है ये बाइक बहुत ही अच्छे से पुल करती है। उसके बाद भी जो है बाइक पुल करती रहती है। एंड इसमें जो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है, तो आपको हाई स्पीड पे लेके जाने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी टूरिंग वगैरह के लिए। सो येस द इंजन इज़ वेरी पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो मैक्सिमम वाइब्रेशंस जो है आपको लगते हैं अपने फुट पैक्स पे सॉरी, और थोड़े बहुत अपने हैंडल बार्स पे और सीट के यहाँ पे और टैंकी के यहाँ पे जो इतने खास वाइब्रेशंस नहीं लगते, बट ये जो नॉर्मल बाइक में लगते उतने हैं, आउट ऑफ द वे नहीं जाते। सो येस आई थिंक सिटी राइडिंग के लिए एज वेल एज हाईवे राइडिंग के लिए ये जो पावर प्रोड्यूस करता है आपको नाराज़ नहीं करेगा। और अभी अपन आ जाते हैं इस बाइक के हैंडलिंग को लेकर। भाई इस बाइक की जो हैंडलिंग है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी टाइट लग सकती है, थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, बिकॉज बाइक का जो ओवरऑल वेट है आपको हल्का सा इसके हैंडल बार्स पे लगता है। और इसके जो टायर्स हैं वो स्पोक व्हील्स वाले टायर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटे टायर्स हैं, तो उसके वजह से जो आपको इनिशियली इस बाइक की हैंडलिंग टाइट लगेगी। एक बार आप इससे यूज टू हो गए फिर आपको जो है देखने की गरज नहीं है, बहुत ही अच्छे से रोड को चिपक के चलती है। मैं आपको वापस से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। आजकल बहुत सिग्नल मिल रहे हैं। चलो तो आप देख सकते हो काफ़ी इजीली हैंडल हो जाती है बाइक। वैसे तो आप एक बार इसे यूज्ड टू हो गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मेन बात, इस बाइक को फिल्टर करने में जो मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा कड़क। मज़ा आ गया। और दूसरी बात, बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है। मतलब आपने हल्का सा भी इसको ऐसे घुमा दिया तो वो तुरंत आपको रिस्पांस देता है। तो ये बात जो मुझे इस बाइक की काफ़ी बढ़िया लगी। हॉर्न जो है और थोड़ा लाउड हो सकता था बट इट्स ओके। भाई इसको जो है चलाने में मज़ा बहुत आती है, स्पेशली इसके हैंडल बार्स की वजह से बहुत ही मज़ा आता है। आप देख सकते हो मेरे हाथ जो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसे। और अभी अपन आ जाते हैं बाइक के ब्रेकिंग पे। भाई अभी फ़िलहाल जो है मेरी ABS ऑन है, मैं अभी ऑफ़ नहीं करने वाला बिकॉज इसको मैं चला रहा हूँ ट्रैफिक में। तो यहाँ पर अपन टेस्ट कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग टेस्ट। ये मैंने भगाई और ये मैंने अप्लाई की। नॉट एट ऑल बैड यार। भाई इसकी जो फ्रंट ब्रेक्स है बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। ओ माय गॉड, बाइटिंग जो है एकदम ही तुरंत मतलब वो बाइटिंग आपको मिलती है। स्पेशली इसके जो आगे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है उससे जो आपको बाउंस बैक इफेक्ट मिलती है, आप एकदम ही आगे बैंड हो जाते हो, जिससे वजह से जो है आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलता है। सो भाई फ्रंट ब्रेक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ही टाइट है। और यहाँ पर अपन ने यूटर्न टेस्ट भी कर लिया। आप देख सकते हो टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपको टाइट स्पॉट्स वगैरह में से निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी अपन आ जाते इसकी रेयर ब्रेक्स पे। यहाँ पर अपन अप्लाई करके देखेंगे। अरे भाई इसकी रेयर ब्रेक भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए तुरंत स्टॉप पे आ जाती है। सो भाई आई थिंक ब्रेकिंग के मामले में जो है येज़दी ने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया गया हुआ है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब कभी आप अपने पाँव नीचे रखते हो तो ये फुट पैक्स जो है आपको नड़ते नहीं है, मतलब आपको जो है बीच में लगेगा नहीं। और अगर आप यू नो उसके आगे पाँव रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो पीछे फोल्ड हो जाता है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो आपके पाँव को जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, विच इज़ रियली गुड। और अभी अपन बात कर लेते हैं बाइक के सस्पेंशन की। भाई इसके जो सस्पेंशन है मैं ये बोल सकता हूँ कि मीडियम से थोड़े नीचे की साइड है। एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है, बट मीडियम से हल्के से नीचे की साइड है। तो आपके कमर पे जो है ज़्यादा झटके नहीं लगते। और ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि हल्के से हार्ड साइड पे एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट सस्पेंशन। तो यू नो दोनों का बैलेंस आई थिंक काफ़ी परफेक्ट यहाँ पर बैठता है मेरे हिसाब से। तो जो है ये वाले सस्पेंशन जो है आपको इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत मतलब बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके, स्पेशली आपकी कमर के लिए। अगर आपको बैक पेन वगैरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो आपको इतने झटके नहीं लगने वाले। और यहाँ पर अपन कर लेंगे स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी। ओके, जैसे मैंने आपको बताया भाई इसके सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे से बीटिंग ले लेते हैं। मैं आपको और एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा ज़ोर से लेंगे इस धबाक। ओके गुड, ऑलराइट। सो आई थिंक मैंने जो है सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ऑन द येज़दी स्क्रैम्बलर। अगर मेरे से कुछ छूट जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरा वर्डिक्ट बताने से पहले मैं जो आपको बता दूं कि आपको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए या फिर आपको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। भाई अगर आपको यू नो ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप ऑफ रोड भी कर सको और डेली भी चला सको, मतलब 2 in 1 कॉम्बिनेशन वाली बाइक चाहिए आपको, सो आई थिंक ये बाइक जो है बहुत ही बेहतरीन रहेगी। एंड स्पेशली अगर आप उनमें से हो जिनको रेट्रो लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो ये बाइक तो आपको 110% चेकआउट करना चाहिए। आपके फेस पे जो है बड़ी सी स्माइल आने वाली है। एंड इसमें जो है और एक आई थिंक और एक कलर आता है जो येलो या फिर ऑरेंज, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट वो कलर आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत 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 ही अच्छा लगने वाला है। फ़िलहाल जो है वो कलर अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता था। और अभी मैं जो आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ अभी इस बाइक को लेकर। भाई अगर आपको प्योर मतलब प्योर फन चाहिए एक मोटरसाइकिल में, और आपको एक बजट में स्क्रैम्बलर चाहिए, मतलब आई थिंक डुकाटी के बाद कोई स्क्रैम्बलर में आती है तो वो यही मोटरसाइकिल है जो आपको अंडर 3 lakhs कोई स्क्रैम्बलर मिलती है तो वो यही है। 2-3 लाख की रेंज में। उसके बाद सीधा आपको जो है डुकाटी में जाना पड़ता है और उतना जो बजट है वो हर किसी का होता नहीं है। सो यस, अगर आपको स्क्रैम्बलर चाहिए, बजट में स्क्रैम्बलर चाहिए, पावरफुल चाहिए, सो आई थिंक आपको जो डेफिनेटली ये येज़दी स्क्रैम्बलर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछेगा। एंड आई एंड द व्लॉग हियर। आई होप इट्स वीडियो गाइज। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Until we meet again, this is DBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much guys. Thank you.